बस 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 हो गया। अरे बस ए, बेवकूफ कहीं के डाले क्या जो डाले जा रहा है, वो मना कर रही है ना। पुष्पा इससे काम क्यों करवाती हो तुम? ए पुष्पा, कोई भी काम ढंग से करना आता है क्या इसको जो खाना परोसने के लिए बोल दिया? ए नालायक, चल छोड़, तू पीछे आ जा, जाके कोई और काम कर। तुम अंदर जाओ, मैं कर लूंगी। गुस्सा तो नाक पे बैठा रहता है। हाँ अच्छी तरह से खाना। अब शेखर को पकड़ना मुश्किल है, पत्नी के पल्लू से बंधा रहेगा। ठीक कहा ना शेखर? हाँ। और मर्दों के लिए, पहले दिन शादी, दूसरे दिन गृहस्थी, और उसके बाद तीसरे दिन शेखर मेरे कदमों में होगा। ठीक कहा ना शेखर? हाँ भैया। क्या हुआ, बहुत दुखी हो? मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, तुम कभी शेखर से नहीं जीत पाए, हमेशा वही जीतता आया है। अब एक सुंदर लड़की से शादी कर ली, उसकी जिंदगी खुशियों से भरी है, लेकिन हमारी जिंदगी कांटों से भरी है। खुशियां हमारे पास आते आते दूर निकल जाती हैं, हमारी किस्मत में तो ठोकरें खाना लिखा है। देखो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इब्राहिम भाई साथ देने को तैयार है, सिर्फ तुम्हारे हाँ कहने की देर है, शेखर का काम तमाम। मैं हिजड़ा नहीं हूं, शेखर को मैं ही खत्म करूंगा, मुझे उसे जीतना है। ये मेरे भाई का घर है, उनके मरने के बाद मैं यहाँ नहीं आती हूँ, यहाँ आने से उनकी बहुत याद आती है। कल से तुम दोनों इसी घर में रहोगे बेटी, यहाँ कोई नहीं रहता ना, इसीलिए घर गंदा हो गया है, अभी अभी साफ कर देती हूँ। यहाँ कोई रहता नहीं है ना, इसलिए गंदा है, कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर देता हूँ। बर्तन नहीं है। अरे तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो, सब बाबू भाई देख लेंगे, चलो तुम। हम दोनों हैं यहाँ पे, ना है कोई, अब आएगा मजा, होगी अपनी सुहाग रात, रोज रोज आ जाओ रानी। घर में पलंग और बिस्तर भी नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो मेरी जान, सब बाबू भाई देख लेंगे, चलो बैठो। काम क्या करते हो? भैया के पास करता हूँ। हाँ वहाँ क्या काम करते हो? उनके साथ जाता हूँ, उनके साथ आता हूँ, किसी को मारने को कहा तो मार देता हूँ। और तनख्वाह? क्या कहा? आपकी एक दिन की तनख्वाह कितनी है? कैसी बात कर रही हो, भैया से कोई तनख्वाह लेगा? हे, ये सब बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास, आ जाओ ना जान। अरे
ए, किस बात को लेकर इतनी परेशान हो? आओ ना। ओ मेरी जान। अगली बार यहाँ किसी उम्मीद से मत आना बेटी, क्योंकि हम यहाँ खुद ही राशन कार्ड से चावल खाते हैं। अपने पति से कहकर एक राशन कार्ड बनवा लो। खाना खाया तुमने? हे, मैं कुछ पूछ रहा हूं, खाना खाया? क्या बुआ? हाँ? खाना तो बनाया होगा ना आपने? मैं क्यों नहीं बनाऊंगी, सब कुछ रसोई में रखा है, जो चाहिए जाकर ले लो। तेरी बीवी को गोद में बिठाकर नहीं खिला सकती। तो फिर क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रही हो तुम? मुंह लटका के यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हारी बुआ का बनाया हुआ खाना मैं क्यों खाऊं? हाँ? क्या कहा तुमने? तुम्हारी बुआ का बनाया खाना मैं क्यों खाऊं? इस घर में खाना तो हमेशा बुआ ही बनाती है ना, और कौन बनाएगा? तुम मेहनत करके अपनी तनख्वाह से दाल चावल लेकर आ, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। क्यों रे, तेरी जबान को ज्यादा ही चल रही है, तू खा या भूखी मर जा। बाबू के घर मत जाना। ए, क्या कर रहा है? अरे शांत हो जा। बुआ आप देख रही है ना, कैसी बात कर रही है ये? बाबू के घर तुम नहीं जाओगे। सामने से अरे क्या कर रहा है तू? इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है? अरे मैंने कहा ना बाबू के घर नहीं जाओगे तुम। बुआ समझाओ इसे। अरे चल चाय बनाती हूँ। आप अंदर चली जाओ। क्यों रे, मैं तेरे साथ सोता हूँ इसका मतलब ये नहीं तू जो कहेगी मैं वो मानूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। स्कूल जाना, चल बाय। बुआ, बुआ, खाना खाया उसने? बताइए ना बुआ, खाना खाया उसने? ये रे, कॉफी पी। बुआ
रानी ने खाना खाया या नहीं? मुझसे क्यों पूछ रहा है, जाकर अपनी बीवी से पूछ। उसने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी? यही ना कि बाबू के घर जाने से मना किया। बाबू के बीवी बच्चे हैं, काम धंधा भी है, लेकिन ये सोच कि तेरे पास क्या है। गुस्से में एक गर्भवती लड़की के साथ मारपीट करोगे? अगर उसे कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता? वो पेट से है। आप सच कह रही है ना? वो सच में पेट से है। मुझसे क्या पूछ रहा है नालायक? अरे खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जा जाकर पूछ ना। क्या ये सच है? हाँ रानी बता ना। Hey. हाथ मत लगाओ। चलिए माँ जी चलते हैं। कहाँ जा रही हो? अस्पताल। किस लिए? मैं भी चलता हूँ। हाँ तुम्हारी वजह से मैं इस बच्चे को गिराने जा रही हूँ। hey, ये क्या बात कर रही है तू? बुआ क्या बोल रही है ये? तुम मेरा ख्याल तो रख ही नहीं पाते हो, तो तुम मेरे बच्चे का क्या ख्याल रख पाओगे? मैं जा रही हूँ, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। चलिए माँ जी। सुनो मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुनो। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है। मैं हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहा हूं ना। एकदम से जाने से मना करोगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। कैसे मैं खुद को रोकता? मुझे थोड़ा समय दो, मैं बदल जाऊंगा। मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो। बुआ इसे समझाओ ना। रानी प्लीज। मत मारो मेरे बच्चे को। मेरे दिल की आवाज सुन ली। ये लो बेटा। इस गांव में 10वीं तक का ही स्कूल है ना, आगे पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता है। मैं एक लड़की को जानता हूँ, नाम उसका इंदुमती है, वो इसी गांव में रहती है। वही सवाल, वही जवाब, वही 500 का नोट। शेखर साहब शहर ही जा रहे हैं। सर क्यों सर, किसी से लव करते हैं? हे नो 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 सर, झूठ मत बोलिए सर। प्यार नहीं होता तो आप यहाँ इतनी बार नहीं आते सर। किसी से प्यार हो जाए तो झट से बता देना चाहिए, दिल में नहीं रखना चाहिए सर। अब मुझे ही देख लीजिए, मुझे किसी से प्यार हुआ था, मैंने उसे बता दिया और फट से शादी कर ली। हमारी जिंदगी बहुत मजे से कट रही है क्योंकि हम दोनों की अब शादी हो चुकी है ना सर। सर जिस लड़की को आप खोज रहे हैं उसका नाम क्या है सर? वानमती, रेखा। सर अरे हंसिए मत सर, बताइए ना।
इंदुमती। सर मेरी जो बीवी है ना सर, वो भी शहर में ही पढ़ती है, क्या पता वो उसे जानती हो। चलिए आप मेरे साथ चलिए सर। आज नहीं सर, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, आपका जब दिल करे आप मेरे घर पे आ जाइएगा। नंबर नोट करिए सर, 9294573। क्या हो गया तुझे, घर में कदम तो ऐसे रख रहा है जैसे कि कथक डांस कर रहा हो। अंदर आ जा। आना। देखो शेखर आया। हाँ भाई, आप इनसे बात कर लीजिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए ना बाबू। आपने मेरी समस्या को अच्छी तरह से सुलझा दिया, बार बार आकर तुम्हें तंग करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये लकड़ी के कारखाने की समस्या सूरज नहीं रही है, अगर उसे भी सुलझा देते तो बहुत अच्छा हो जाता। आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। ठीक है जैसा आप ठीक समझो। हेलो, कहाँ हो तुम? भैया क्या आया हूँ, बाबू भैया क्या? तुमने कहा था तुम अब नहीं जाओगे। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक है। फोन रखो, बाद में बात करूंगा। ए शेखर, क्या बात है रे? कुछ नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। ले पकड़ना। ए पंचायत करने जाना है। जी भैया। हाँ ला। सुनो, वो देवराज पैसे देने के लिए मना कर रहा है, तुम भी उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हो। उसके मैटर को ठीक से संभालना होगा, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। समझ गए मेरे कहने का मतलब है? एक बात सुनो, हम जो भी डील करें उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। क्या मुसीबत है, हम इतनी जरूरी बातें कर रहे हैं और बीच में तेरा फोन आ रहा है। पहले तुम अपना फोन ऑफ करो। ए, गेट खुला है तो अंदर चले आओगे? गुंडा कर दिया है क्या? ए, क्या करने आए हो तुम लोग? सुनाई नहीं देता क्या? अरे जाओ यहाँ से, जाओ। गेट खुला होगा तो अंदर चले जाओगे, इंसान हो या कुछ और? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? हैं? ये! चला जाए और आज के बाद मुझे कभी मुंह न दिखाए। मुझे माफ कर दीजिए। तेरी परेशानी क्या है? साफ साफ बता क्या बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। चल गाड़ी में बैठ। ए, तूने गाड़ी यहां पर क्यों रोक दी? भैया देर हो गई है, जब तक गांव पहुंचेंगे दुकान बंद हो जाएगी। ए,
वो जो हुसैन मारा गया था ना, ये उसी का इलाका है। ठीक है, जाके जल्दी वापस आना। जाओ। ठीक है भैया। शेखर बहुत परेशान दिखाई दे रहा है, जो भी मांगे दिलवा देना। ठीक है भाई, चलेगा भाई।